Hello everyone, in this video lecture we will discuss about chemical equation and how to write a chemical equation, balance and imbalance chemical equation. After that we will discuss about how to balance a chemical equation. ये सारी चीजें हम लोग को आज पढ़नी है आज के लेक्चर में. ध्यान दें क्या क्या आपको पढ़ना है. सबसे पहले आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन. उसके बाद आपको पढ़ना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. उसके बाद आप पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है. फिर आप पढ़ेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है. नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशन से. केमिकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे लिखा गया डेफिनेशन उसकी लिखी गई है. डेफिनेशन ये है कि द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाई ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ी है बट बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. डेफिनेशन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, सपोज करो ठीक है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कर रहा है, तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका एक शॉर्ट हैंड मेथड क्या है. तो यही होता है कि किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो शॉर्ट हैंड मेथड होता है वो होता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उनको सिंबल में दिखाना. ठीक है, जैसे स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे जिंक मेटल है. जिंक मेटल यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या करेगा जिंक. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन फ्रॉम द एक्टिविटी सीरीज. हमने देखा है ये फॉर्म करेगा स्टूडेंट ZnSO4 प्लस H2. Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगी. यही जो सिंबल और ये जो फार्मूला है, Zn एक सिंबल है, जिंक का सिंबल है और ये एक फार्मूला बना है. तो सिंबल और फार्मूला ये डिफरेंट रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के ये किसी केमिकल रिएक्शन को दिखा रहे हैं और इस केमिकल रिएक्शन को जिस वे में रिप्रेजेंट किया गया है, एक शॉर्ट हैंड मेथड से जो रिप्रेजेंट किया गया है इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाई ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसी शॉर्ट हैंड मेथड को रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं. आप ध्यान से देखो कि वो शॉर्ट हैंड मेथड किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जिसमें आप डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट को सिंबल और फॉर्मूलाई से और प्रोडक्ट को भी सिमिलर प्रोडक्ट को भी सिंबल एंड फॉर्मूलाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी शॉर्ट हैंड मेथड को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर गिवन है तो उसको आप कैसे राइट करते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसको आप केमिकल इक्वेशन के टर्म में कैसे राइट करते हो. तो ये मेथड है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का. तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाई ऑफ द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम. तो आप देख रहे हैं कि द सिंबल एंड फॉर्मूलाई, ये रिएक्टेंट होता है लेफ्ट पार्ट, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंबल एंड फॉर्मूलाई जो होती है रिएक्टेंट की उसको हम लोग लेफ्ट हैंड, ये एरो से आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और इन दोनों का सेपरेशन हम लोग किससे करते हैं, प्लस साइन से. इनके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं. यहाँ पे आपने देखा ये सिंबल है, ये फॉर्मूलाई है, इसको हमने प्लस से सेपरेट किया है. तो रिएक्टेंट का पार्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा जिसको हम लोग सिंबल और फॉर्मूलाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों के बीच में एक प्लस का साइन होगा, जो प्लस का साइन हमको ये बताता है कि ये दोनों सेपरेट हैं, ये दोनों अलग हैं. ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे प्रोडक्ट के केस में द सिंबल एंड फॉर्मूलाई ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड प्लस साइन बिटवीन देम. तो राइट हैंड साइड एरो के जस्ट बाहर जो राइट हैंड साइड पे है वो प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट को आप राइट हैंड साइड पे लिखते हो जिसमें आप सिंबल एंड फॉर्मूलाई एक को हम लोग प्लस साइन से सेपरेट करते हैं, इनके बीच में प्लस साइन होता है. एंड लास्ट पॉइंट है द एरो साइन. जो एरो साइन है ये क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होता है. जैसे यही इसी के थ्रू तो आप बताते हो कि लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये.
तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होता है उसको रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में जो होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि हम लोग एक एरो से दिखाते हैं, जो कि ये पॉइंट आउट करता है पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट कि ये रिएक्शन जो जा रही है वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, ये पॉइंट कर रहा है कि रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, ये एरो आपको ये भी बताता है। और एरो ही सेपरेट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट रिएक्टेंट होगा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट प्रोडक्ट होगा। तो ये था किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, राइट करने का मेथड। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, जैसे ये क्या है, जिंक और जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रही है, तो इन रिएक्शन कर रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। अब केमिकल रिएक्शन को आप इसे रिएक्शन कर रहे हैं तो किस वे में आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो शॉर्ट हैंड मेथड को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं, इसके लिए तीन मेथड। पहले तो आप देखेंगे आपने रिएक्टेंट क्या क्या लिया है, रिएक्टेंट जो लेंगे डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे उनको हम लोग प्लस साइन से सेपरेट कर देंगे, और फाइनली आपका कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, उसको हम लोग आयरो के जस्ट बाद लिखेंगे। और आयरो ये पॉइंट आउट करेगा कि हमारी रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरह मूव कर रही है, यहाँ से टूवर्ड्स प्रोडक्ट जाएगा। तो ये हो गया राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि इक्वेशन के केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड अगर किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो बैलेंस है, दोनों साइड क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये क्या है, ये जिंक एटम है, ये वन टाइप है, ठीक है, एक साइड में रिएक्टेंट की साइड में जिंक का वन एटम है, और प्रोडक्ट की साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी जिंक का वन ही एटम है, ठीक है, तो जिंक दोनों साइड में बैलेंस है। तो यहाँ पे आप देख लो हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट में आप हाइड्रोजन एटम देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम है रिएक्टेंट की साइड, और प्रोडक्ट की साइड अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन एटम के दो एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम यहाँ पे भी है, ठीक है, टू हाइड्रोजन यहाँ पे, टू हाइड्रोजन राइट साइड भी है, तो ये बैलेंस है हाइड्रोजन भी। रिएक्टेंट में सल्फर का वन एटम है, प्रोडक्ट में आप देखोगे कि सल्फर का वन एटम है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एलिमेंट के फोर एटम है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एलिमेंट के भी फोर एटम है, तो ये ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिंपल है स्टूडेंट, आप देखोगे एरो के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कहने का मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट है वो उनके एटम्स बैलेंस होने चाहिए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड भी होने चाहिए एंड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ये प्रोडक्ट के साइड भी होने चाहिए। अगर आपको ऐसा मिलता है तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसा कि नाम से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, ये एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनके एटम्स बैलेंस नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है KClO3, पोटेशियम क्लोराइड का एग्जांपल, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये बनाता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, इसको हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट, ये एरो के लेफ्ट पार्ट को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट पार्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं, तो रिएक्टेंट की साइड में पोटेशियम का वन एटम है, पोटेशियम यहाँ पे वन टाइम है, पोटेशियम का वन एटम है, प्रोडक्ट की साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी पोटेशियम का वन एटम है, पोटेशियम का वन, यहाँ पे भी पोटेशियम का वन ही एटम है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लोरीन, क्लोरीन का स्टूडेंट रिएक्टेंट में वन एटम है और प्रोडक्ट में भी क्लोरीन का वन एटम है, ठीक है, ये तो बैलेंस था अभी तक। रिएक्टेंट में स्टूडेंट देखते हैं ऑक्सीजन का थ्री एटम है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के थ्री एटम है, बट प्रोडक्ट में आप देखो स्टूडेंट
प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के ओनली टू एटम है, यहाँ पे टू लिखा है, ठीक है, ऑक्सीजन का टू एटम है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का थ्री एटम है। तो यहाँ पे आपने देखा एक के पास थ्री है दूसरे के पास टू है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इस केमिकल इक्वेशन में, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत सिंपल है, आप देखोगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की साइड अगर सारे एटम्स बैलेंस है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर बैलेंस नहीं है तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन गिवन है उसको आप बैलेंस कैसे करते हो, तो ये डायरेक्ट मेथड हम लोग देखेंगे और वही आपको सीखना भी है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस कंबाइन टू फॉर्म HCl, ठीक है। तो देखो कुछ पॉइंट आप इससे पहले जान लो, आपको पता होगा आपने पढ़ा है मेटल नॉन मेटल प्रीवियस क्लास में भी, और आपको फॉर्मूला बनाना भी आता है। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ये क्लोरीन है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये दोनों जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखे जाते हैं। वो कैसे देखो, दो टर्म हम बताते हैं इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ये आगे आएगा अभी। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आता है तो उसको हम लोग मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया 281, 9th क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है 281, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 आया है तो ये आएगा होगा मेटल। ऐसे ही आप एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 283, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका आया है 3, ये भी होगा मेटल। ऐसे ही आप कुछ भी लो, सपोज करो आपने लिथियम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 213 होता है तो 213, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका आया है 1, ये भी मेटल की कैटेगरी में आएगा। मेटल में एक एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 आएगा, तो इसका अगर आउटर मोस्ट 1 आता है इलेक्ट्रॉन तो इसको मेटल की कैटेगरी में रखना चाहिए था, बट ये क्या होता है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना। हाइड्रोजन क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल हो गया। तो जो स्टूडेंट मेटल्स होते हैं, मेटल्स उसको आप लिखते कैसे हैं, मेटल को हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है, मोनो एटॉमिक फॉर्म। ये मोनो एटॉमिक फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, मोनो मींस होता है स्टूडेंट 1, मोनो मींस 1, एटॉमिक मींस एटम, 1 एटम जिसके होंगे। जैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपको इक्वेशन ऐसे मिलेगी, तो वहां पे अगर सोडियम मिलेगा सोडियम Na मिलेगा, कभी ये आपको 2 या 3 के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो जो जो मेटल होते हैं स्टूडेंट उनको हम लोग मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम मिलेगा तो Mg मिलेगा, एल्युमिनियम किसी भी रिएक्शन मिलेगा तो Ar मिलेगा, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट वो आपके किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में, मतलब इसके 1 एटम होंगे। तो और मेटल क्या होते हैं स्टूडेंट, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम ये एक्सेप्शन है। इन दोनों को छोड़ करके अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आता है तो वो मेटल होगा, और मेटल को हम लोग हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, मोनो एटम मतलब उसके 1 एटम होंगे। तो जैसे ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो इसका इसके पास 1 एटम नहीं होंगे, ठीक है, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में, 2 एटम डाई एटॉमिक फॉर्म। जैसे क्लोरीन है स्टूडेंट, नॉन मेटल क्या हो गया स्टूडेंट, ये भी देख लो, सबसे पहले हम लोग नॉन मेटल देख लेते हैं इसमें, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट क्लोरीन,
क्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो ये आता है 287, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 आ गया तो ये नॉन मेटल होगा। और ऐसे स्टूडेंट अगर हम लोग फ्लोरीन देख लें एटॉमिक नंबर 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है 27, इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, ये भी नॉन मेटल होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप दूसरे भी एलिमेंट जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो ये आएगा 26, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आया है, 6 आया है तो ये नॉन मेटल होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर 1, 2, 3 आता है तो मेटल होगा, दो एलिमेंट को छोड़ करके हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8 आता है तो ये नॉन मेटल होगा। ठीक है, और नॉन मेटल जो स्टूडेंट होते हैं वो डायटॉमिक, जनरली किसमें डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाई मींस टू, एटॉमिक मींस एटम, डायटॉमिक फॉर्म। तो स्टूडेंट यहां पे आपने देखा कि क्लोरीन जो होता है नॉन मेटल है। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे नॉन मेटल है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 में से कोई आता है तो नॉन मेटल होगा, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है नॉन मेटल। अब ये दोनों कंबाइन हो गए, ये आपको करना नहीं है बट मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे बैलेंस करना है, आपको ऐसी कोई केमिकल इक्वेशन मिलेगी उसको बैलेंस करना होगा, पर ये कुछ पॉइंट आप लोग पहले से जाने रहो ताकि आगे आपकी हेल्प मिलेगी इससे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है स्टूडेंट, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, और क्लोरीन है इसकी वैलेंसी होती है -1। ठीक है, तो यहाँ से जो बना है वो बना है HCl। ठीक है, ये HCl बना है, ये कोई केमिकल इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखो बैलेंस करने के लिए हमने क्या रूल पढ़ा है, हमने रूल पढ़ा है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड ईच एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 एटम है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। क्लोरीन का यहाँ पे देखो, क्लोरीन का 2 एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में से कोई भी बैलेंस नहीं, कोई भी सेम नहीं है। तो देखो एक रूल आप जान लो कि जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो जो नंबर होता है वो आप आगे बढ़ाएंगे, जो कम या ज्यादा होता है आप उसको आगे बढ़ाते हैं, ये आप सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो इसको आप कर लो 2, आगे बढ़ा देंगे 2, तो 2 हाइड्रोजन का एटम हो गया, 2 हाइड्रोजन का एटम बैलेंस हो गया। क्लोरीन का 2 जब आगे आपने बढ़ाया है तो ये क्लोरीन का भी ये होगा, ये कॉमन होगा, 2 क्लोरीन के भी एटम हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो स्टूडेंट, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों नॉन मेटल है इसीलिए ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता है क्या बनाता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -1, तो यहाँ से ये बन जाता है, इसके पास 2 आएगा, ऑक्सीजन के पास 1 आएगा, तो यहाँ से फॉर्म होता है स्टूडेंट H2O, ये बनता है। अब आप देखेंगे कि ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं, कैसे बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट की साइड देखते हैं हाइड्रोजन का 2 एटम है, प्रोडक्ट की साइड देखेंगे हाइड्रोजन का 2 एटम है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है स्टूडेंट, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड 2 एटम है, प्रोडक्ट की साइड 1 एटम है, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 करने के लिए आपको आगे 2 करना पड़ेगा, आगे ही नंबर बढ़ाओ, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, बट अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, अब ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, इसको 4 करने के लिए आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 4 हाइड्रोजन, 2 × 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और ये वाला जो 2 है ये ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे CH4 प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो थोड़ा सा टफ है पर आप ध्यान से देखो,
रिएक्टेंट के साइड कार्बन का वन एटम है, प्रोडक्ट के साइड भी कार्बन का वन एटम है, कार्बन बैलेंस है। रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन का 4 एटम है और प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो यहाँ पे 4 है उधर 2 है, इसको 4 करना पड़ेगा, तो 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टू द 4 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1 कार्बन 1, 4 हाइड्रोजन, 2 टू द 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे देखो आप 2 ऑक्सीजन और ये आगे 2 ऑक्सीजन, 2 टू 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट को 4 करने के लिए आप 2 कर देंगे, 2 टू द 4 ऑक्सीजन, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। एक दो और देख लो, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में ये डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, अगर आपको इसमें नहीं समझ आएगा तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम क्लियर कर देंगे, स्लो इसको पढ़ाएंगे। जैसे ये स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस कंबाइन होती है, तो देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी आप जानते हो 3 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो यहां से बनेगा NH3 अमोनिया, NH3। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो नाइट्रोजन का स्टूडेंट यहां पे कितने एटम है, 2 एटम रिएक्टेंट के साइड, यहां पे नाइट्रोजन तो 1 ही है, नाइट्रोजन का आगे का देखो ये 1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए आपको यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 नाइट्रोजन का एटम हो गया, 2 नाइट्रोजन का एटम हो गया। हाइड्रोजन का स्टूडेंट देखो ये आगे इसके साथ हाइड्रोजन का 3 दिख रहा है ना यहां पे सबस्क्रिप्ट में, ये आगे भी 2 है, ये 3 टू द 6 हाइड्रोजन हो जाएगा 6, यहां पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको 6 करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू द 6 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप बैलेंस करो, धीरे-धीरे आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। बहुत सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी में भी काफी है, हम जो क्वेश्चन करेंगे इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।